कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक 264 बैंक कर्मियों को वेतन वृद्धि देगा, जिससे बैंक पर 4.45 करोड़ का बोझ पड़ेगा। बैंक में खाली पड़े वाटर कैरियर कम हेल्पर के 54 पदों को भरा जाएगा। बैंक की 100वीं वर्षगांठ प्रबंधन एक माह तक भावी कर्जदारों को स्पेशल इंसेंटिव भी देने की तैयारी कर रहा है। ये निर्णय केसीसी बैंक की गत दिवस आयोजित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में लिया गया। बीओडी की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए बैंक के चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बताया कि बैंक में बतौर दैनिक भोगी कार्यरत 10 कर्मियों को, जो कि 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें हेल्पर कम पीएन के रूप में नियमित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैंक में वर्ष 2011 में भर्ती हुए कर्मियों को नियुक्ति की तिथि से वेतन वृद्धि, जो कि वर्ष 2013 से लंबित थी, उसे देने का निर्णय लिया गया है। डॉक्टर जी भारद्वाज ने बताया कि 17 मार्च को बैंक अपनी 100वीं वर्षगांठ भव्य ढंग से मनाने जा रहा है। बैंक की 100वीं वर्षगांठ पर बैंक ने TL व्यक्तिगत वाहन ऋण, वाणिज्यिक वाहन ऋण, संपत्ति के खिलाफ ऋण और गैर कृषि ऋण पर प्रोसेसिंग फीस को 17 मार्च से 16 अप्रैल तक न लेकर 100% छूट देने का निर्णय लिया है। कि कुछ कर्मचारी 2011 में भर्ती हुए थे और उनकी जो वेतन वृद्धि है वो 2013 में लंबित पड़ी थी, अब 2019 चल रहा है, लेकिन अभी तक 2013 की लंबित पड़ी वेतन वृद्धि अभी तक नहीं दी गई थी। कल हमने इसके ऊपर भी एक निर्णय कर लिया है और उनको वेतन वृद्धि भी दे दी गई है 2013 से जो लंबित थी, और उसको जो हमारा एपेक्स बैंक है उसके समकक्ष कर दिया गया है। ये हमने कल बहुत बड़ा निर्णय लिया है। अब इसके बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ा है, लेकिन कर्मचारी जो इस बैंक को बढ़ाने के लिए कर्मचारी हित में काम कर रहे हैं उनके लिए फिर बैंक ने ये निर्णय किया है। 4,45,00,000 का व्यय भार जो है हमारे बैंक के ऊपर पड़ेगा, लेकिन 264 कर्मचारी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और एक और निर्णय हमने और किया कि जो हमारे बैंक के जो इम्पैनल्ड लॉयर हैं, जो हमारे केसेस अदालतों में लड़ते हैं, उनकी फीस मुझे लगा कि बहुत कम है। उसके कारण जो केसेस की हमारी गुणवत्ता है, मुझे लगता है कि उसमें भी कमी आई थी। इतनी गंभीरता से लॉयर्स हमारा केस लड़ नहीं पाते थे, तो कल हमने ये निर्णय कर लिया। और मैंने पता किया और कहा कि पिछले कई वर्षों से इसको फीस को रिवाइज नहीं किया गया, तो हमने कल ये भी निर्णय ले लिया। जो हमारी जो अधिवक्ताओं की फीस थी जो हमारा केसेस लड़ते हैं, उनको भी बढ़ाने का निर्णय किया है। जो उनकी स्टैम्प ड्यूटी है, क्लर्केज है, सब पे हमने करीब करीब 100% वृद्धि करने का फैसला लिया है, जिससे बैंक के आर्बिट्री केसेस हैं, कई केसेस हैं जो है उनमें मुझे लगता है कि स्पीड अप भी होंगे, तेजी भी आएगी, और हमारे जो अधिवक्ता हैं जो हमारे पैनल में हैं, मुझे लगता है कि अधिक गंभीरता से हमारे बैंक के केसेस भी लड़ेंगे। ये भी हमने कल फैसला किया है। और एक कर्मचारी हित में एक और निर्णय लिया है हमने। महंगाई भत्ता जो पहले 140% था, उसको हमने 4% बढ़ाकर 144% कर दिया है, और ये 1/7/2018 से देय होगा। ये भी हमने एक निर्णय किया। और एक मुझे एक बार सुझाव आया था किसी कस्टमर का, मुझे टेलीफोनिकली उन्होंने कहा था कि आपके बैंक में मिस्ड कॉल फैसिलिटी नहीं है। मैंने इमीडिएटली उसके ऊपर एक्ट करते हुए अपने अधिकारी को निर्देश दिया था। 15-20 दिन के समय में उन्होंने इसको वर्कआउट कर लिया है। अब आप हमने एक नंबर दे दिया है, नंबर है 9580079177917, इस पे जो हमारे ग्राहक हैं मिस्ड कॉल करेंगे तो उनको अपने बैंक की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो SMS के द्वारा उनको मिलेगी। ये एक नई फैसिलिटी हमने बैंक में शुरू की है, ये भी कल निर्णय करके शुरू भी कर दी गई है।